हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन अगेन सेक्शन ए ऑफ सी यू ई एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड है वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है बट आज हम लोग नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज डिस्कशन करने वाले हैं तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इन अ फैमिली देर आर हजबेंड वाइफ टू सन्स एंड टू डॉटर्स ऑल द लेडीज वर इन्वाइटेड टू अ डिनर बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस हु वॉज ऐट होम आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ है टू सन्स है टू डॉटर्स है और जितनी भी लेडीज थी मतलब टू डॉटर्स और वाइफ तो वैसे भी घर पे नहीं है क्योंकि उनको डिनर पे बुलाया गया है रीजन बिंग वो डिनर के लिए इन्वाइटेड है बोथ सन्स भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो प्ले कर रहे हैं एंड हस्बैंड जो है अभी तक ऑफिस से ही नहीं रिटर्न हुआ है तो क्या घर पे कोई होगा नहीं नो बॉडी वॉज ऐट होम करेक्ट आंसर होगा बी और इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं नेक्स्ट इन अरुण्स ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 फाइव के जी बट लेस देन सेवेंटी टू के जी अच्छा देखो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है अरुण की ओपिनियन ये है कि उसका वेट 65 से ले करके 72 के बीच में होगा हिज ब्रदर डजेंट अग्री विथ अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज ग्रेटर देन 60 के जी बट लेस देन 70 के जी अच्छा अब उसके भाई की क्या ओपिनियन है कि उसका वेट सिक्सटी से ले करके लाई कर रहा है बिटवीन सेवेंटी हिज मदर्स व्यू इज़ दैट हिज वेट के नॉट बी ग्रेटर देन सिक्सटी एट के जी और मदर का क्या कहना है कि मोर देन इक्वल टू आप सिक्सटी एट हो गए उससे ज़्यादा नहीं होंगे इफ़ ऑल आर देम आर करेक्ट इन दर एस्टिमेशन वॉट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण अब इस तरह के क्वेश्चन में ना सिंपली क्या करना है यहाँ देखो उसकी मदर का कहना था कि उसका वेट हार्डली कितना होगा सिक्सटी एट एंड उसका खुद का एक्सपेक्टेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 65 से उसके ब्रदर का एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो रहा था 60 से उसने क्या कहा कि उसका वेट 65 से ज़्यादा होगा मतलब 66 हो सकता है 67 हो सकता है और उसकी मदर का कहना है कि उसका वेट 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर ये तीन वेट हम ले रहे हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन में भी अप्लाई होगा सेकेंड में भी अप्लाई होगा थर्ड में भी अप्लाई होगा तो क्या हम इसका एवरेज निकाल लें हाँ निकाल लें मदर का कहना क्या था कि वो 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो एवरेज कैसे निकालेंगे 66 प्लस 67 प्लस 68 डिवाइडेड बाय थ्री इसको सॉल्व करके करेक्ट आंसर आएगा ए 67 कीजी नेक्स्ट इफ एक्स डॉलर वाई मींस एक्स इज फादर ऑफ वाई ये क्वेश्चन हमने सेम कराया हुआ है अपने लास्ट के कुछ सेशंस में अगर वो क्लासेस आपने नहीं की है तो वो क्लास ज़रूर कवर कर लो वहाँ हमने बताया था कि जो रिलेशन होगा वह आयदर ग्रैंड सन का होगा और ग्रैंड डॉटर का और क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं किया है तो करेक्ट आंसर होगा डी के नॉट बी डिटरमाइंड नेक्स्ट पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेट आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैंस फादर इज माई फादर्स सन क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर होगा सी हिज़ फादर और क्योंकि ब्लड रिलेशन पे हमने कई सारे क्वेश्चन कराए तो ये आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास को कोड किया गया इस तरीके से तो बॉम्बे का कोड क्या होगा यहाँ बहुत सिंपल है यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना तो एम के बाद क्या आता है एन ए के बाद क्या आता है बी डी के बाद आएगा ई e, इसी तरीके से चल रहा है मतलब प्लस वन करेंगे तो बी के बाद क्या आएगा सी O के बाद आएगा पी फिर एम के बाद एन बी के बाद सी ए के बाद बी और वाई के बाद जेड तो इस तरीके से हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा बी तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट इन अ कोड लैंग्वेज इफ पोज इज कोडेड एज द वर्ड टाइप विल बी कोडेड एज अब यहाँ पे देखो अगर हम पोज की बात करें तो पोज का कोड इस तरीके से हो रहा है मतलब यहाँ पे तो चार अल्फाबेट्स हैं यहाँ आठ अल्फाबेट्स हैं तो इस तरीके से देखो कि यहां का पी और यहाँ ओ क्यू ले लो तो ओ पी के पहले आएगा और क्यू पी के बाद आएगा इसी तरीके से देखोगे तो कोडिंग हुई है फिर यहाँ से हम ओ ले रहे हैं और यहाँ से एन पी ले रहे हैं तो नो डाउट ओ के पहले क्या आता है एन और बाद क्या आता है पी क्लियर तो सिंपली यहाँ पे जो कोड है वो किस तरीके से है कि एक लेटर पहले का है बिहाइंड का और एक लेटर अहेड है इसी तरीके से टाइप के लिए भी हम कर लेंगे कि टी के पहले क्या आता है एस और टी के बाद क्या आता है यू इसीलिए देखो सब में एस यू दिया हुआ है और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखो पहले सब में एस यू दिया है एग्जिट दिया है ओ क्यू दिया है मतलब ये तो फिक्स है बट लास्ट का जो अल्फाबेट्स चेंज हो रहा है तो ई के पहले देख लो ई के पहले क्या आएगा डी और ई के बाद क्या आएगा एफ मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए लास्ट में डी एफ जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सी

तो जो ऊपर दिखेगा और जो उसके नीचे बॉटम में होगा ना इसका सम आप किसी भी सिचुएशन में देखो इसका सम हमेशा कितना आता है सेवन आता है जैसे अगर मान लो ऊपर वन आया तो नो डाउट लास्ट में क्या बॉटम में क्या होगा सिक्स वैसे अगर ऊपर टू है तो नीचे होगा फाइव ऊपर थ्री है तो फोर क्लियर आप क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि अगर टॉप फेस में फोर थ्री वन फाइव है तो नो डाउट हमें पता है कि टॉप और बॉटम मिला करके सम कितना होता है सेवन तो फोर के साथ थ्री होगा थ्री के साथ फोर होगा वन के साथ सिक्स होगा और फाइव के साथ थ्री होगा और फाइव के साथ टू होगा व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसिस टचिंग द ग्राउंड ये सब टच करें ग्राउंड को और इसका टोटल कितना आ रहा है फिफ्टीन तो करेक्ट आंसर होगा सी फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ और इसका करेक्ट आंसर आ रहा था बी वेस्ट नेक्स्ट अ रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट ये हमें पता है कि ये वेस्ट है ये ईस्ट है ये हमने बताया भी हुआ है तो ये इस तरीके से रिवर फ्लो करी है एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट लेफ्ट है लेफ्ट मुड़ गई एंड गोस इनटू अ सेमी सर्कल राउंड अ हिलॉक इस तरीके से कुछ सेमी सर्कल चला अब कह रहे हैं यहाँ लेफ्ट नहीं यहाँ राइट right रखना तो ये राइट right में इस तरीके से टर्न होगा यहाँ हम लोग वेस्ट से शुरू किए थे और अभी भी ये किधर फ्लो करा है ईस्ट में तो करेक्ट आंसर होगा बी ईस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन बहुत सिंपल है कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो ई एफ आर इन सेंटर ए बी आर एट द एंड्स, सी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ़ ए हु इज टू द राइट ऑफ बी चलो जल्दी से ये बना लेते हैं ई e और एफ कह रहा है कि ये दोनों तो सेंटर में मतलब ये ई e है ये एफ है और यहाँ पे दो गैप होगा यहाँ दो गैप होगा क्यों क्योंकि छः स्टूडेंट्स हैं। अब कह रहा है ए और बी कहा ए है और यहां बी है लेफ्ट ऑफ ए ए का लेफ्ट है? ये साइड है।, है नहीं तो अब क्या मानो कि यहां ए है और यहां बी है अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी इज सिटिंग लेफ्ट टू तो गया सी राइट टू बी बी के राइट में कौन होगा कौन बचा डी होगा तो करेक्ट आंसर होगा ए डी नेक्स्ट क्यू आर एस टी आर सिटिंग टी है कि पांच लोग हैं पी क्यू आर एस टी पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू मतलब पी किसके साथ है क्यू के साथ आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू एस आर और एस साथ में बैठे हैं एस इज नॉट सिटिंग विद टी अब ये कह रहा है कि एस जहां बैठा है वहां टी नहीं बैठा है एस और टी आसपास नहीं बैठे और टी जो है हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच बेंच के लेफ्ट एंड पे कौन है टी है ये लेफ्ट एंड हो गया क्योंकि हम हमेशा मानते हैं ना कि ये लोग इस डायरेक्शन में बैठे हैं, फेस करके बैठे तो ये राइट right होगा ये लेफ्ट होगा फिर से पढ़ो कह रहा है कि पी सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू एस अभी तक तो ये क्लियर है और कह रहा है कि एस जो है वो टी के आसपास नहीं बैठा है मतलब यहाँ एस नहीं होगा आगे कह रहा है आर इज इन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट राइट से सेकेंड पोजिशन पे कौन है आर मतलब आर के साथ क्योंकि एस बैठा है तो एस यहाँ कॉर्नर में हो जाएगा अब यहाँ कौन रहेगा पी क्यू पी इज टू द राइट ऑफ क्यू एंड टी अब कह रहा है कि पी किसके किसके राइट right में है टी के और क्यू के मतलब अगर हम यहाँ पी को बैठाएं यहाँ क्यू को बैठाएं तो बहुत ही सिंपली देखो पी जो है इसके भी राइट में है इसके भी राइट में है और जो हमारे पास फर्स्ट में लिखा था कि पी सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू यस आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू एस ये और एस इज नॉट सिटिंग विथ टी ये भी करेक्ट है सारे स्टेटमेंट आपको देखने हैं कि सारे स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करें पी इज टू द राइट ऑफ क्यू एंड टी ये हो गया पी एंड आर आर सिटिंग टूगेदर ये देखो ये लोग साथ में बैठे हैं इन पी पी इज सिटिंग कहा बैठा है मिड में या हम कह सकते हैं क्यू और आर के बीच में बिटवीन क्यू एंड आर तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज अब मिसिंग एलिमेंट क्या देख लेते हैं ए बी उसके बाद सी नहीं आ रहा है फिर डी आ रहा है वैसे इसमें देखो ई एफ फिर जी नहीं आ रहा है एच रहा है तो इसी तरीके से चलेगा तो यहां सिंपली आप लोगों को यह देखना है कि दो अल्फाबेट साथ में हो और फिर एक गैप पे हो ऐसा सिर्फ डी में आ रहा है यू वी एक्स क्लियर तो करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आप लोग सेल्फ ट्राई करना इसका करेक्ट आंसर होगा सी जी आई के प्रैक्टिस के लिए रख लो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन भी ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा बी नाउ यहां से हम लोग का इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड आफ्टर हर हजब यूनिट मैट्रिक्स इन फॉर्मेट ऑफ ए हम क्या कहते हैं जज चेंबर और लॉयर ये सब एक से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में भी ऑड वन आउट निकालना है कैंटीन डांसर स्टेज मेकअप ये तीनों रिलेटेड है कैंटीन ऑड वन आउट है फाइंड इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड द प्रेसिडेंट वॉज given अ हार्टी वेलकम हार्टी वेलकम मतलब warm वेलकम सिमिलर बताना है ऑल दैट ग्लिटर्स आर not गोल्ड तो ग्लिटर्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं ग्लीमिंग नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट पर ईयर इज सिक्सटीन एंड कंपाउंडिंग अकर्स एवरी क्वार्टर देन इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड इज अब क्योंकि क्वार्टर और हमने बताया है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता उसको से divide है उसको मुझसे डिवाइड करते हैं आर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं टाइम से मतलब जितना एक साल को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग और ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई फोर कितना हो फोर परसेंट मतलब और पॉइंट जीरो फोर इसका करेक्ट आंसर आएगा बी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एंटोनिम्स एंटोनिम्स मतलब अपोजिट माला लुक्स प्रिटी और प्रिटी का जो अपोजिट है वो होगा अगली नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एंटोनिम्स देर कॉपियस रेन्स कॉपियस का रिवर्स क्या हो जाएगा स्कैंटी अनाज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर इन एम पेबल हाफ ईयरली इज सिंपली सिम्पली पे हम लोग क्या करेंगे अमाउंट का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे पी वन प्लस आर डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू दी पावर टी और अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है ना तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास देख लो सो दैट ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो पाए लेट्स हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है हंड्रेड वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स परसेंट और ईयर को कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया हाफ ईयरली में तो सिक्स बाई टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड टू दी पावर वन मल्टीप्लाई बाई टू इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा वन जीरो सिक्स पॉइंट जीरो नाइन अब क्योंकि अमाउंट मेरा कितना रहा है वन जीरो सिक्स पॉइंट ज़ीरो नाइन और प्रिंसिपल हमने कितना अज्यूम किया था हंड्रेड तो दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आंसर आएगा सिक्स पॉइंट जीरो नाइन परसेंट दैट इज़ करेक्ट आंसर होगा इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का डी अब यू ओवरऑल ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज से रिलेटेड टू सेक्शन ए कुछ क्वेश्चंस हमने आप लोगों को सेल्फ ट्राई के लिए दिए हैं तो वो ट्राई जरूर करना अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डोमेन नॉलेज जो डोमेन नॉलेज रिलेटेड सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करने वाले हैं और वो क्वेश्चन आप ज़रूर से कवर कर लेना आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच